अरुण यादव के बयान आया है कि वो पार्टी के लिए फसल बोते हैं और फसल काटते टाइम कोई और ले जाता है, क्या राजनीतिक मायने, आप क्या मानते हैं इसमें? फसल बोते हैं और कोई काट के ले जाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं उन्होंने फसल यहां पर कौन सी बोई है? मुझे लगता है कि ये बयान कहीं ना कहीं उनका एक हतोत्साहित और साथ ही साथ दो चुनाव हार चुके हैं, दो तमगे लोकसभा के और एक विधानसभा के, ऐसे तीन तमगे लग चुके हैं, अब उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई है। निमाड़ ये भाजपा का गढ़ है और हम लगभग 4.75 लाख वोटों से जीते थे पिछला चुनाव और आने वाला चुनाव इसको, इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। आज कांग्रेस समाप्ति की ओर है, कांग्रेस अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस अपने चुनाव आयोग में अपनी पहचान जिसको कहते हैं सदस्यता बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जनता ने पूरी तरह उनकी फसल को और उनके पूरे उसको समाप्त कर दिया और कहीं भी अब वो, मुझे लगता है कि अब वो दोबारा तीसरी बार हारने का बीड़ा उठाने को तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने रण छोड़ दिया। तेज न्यूज़ की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।